दोस्तों इस गरीब लड़के संगचन का एडमिशन पढ़ाई में अच्छा होने की वजह से शहर के सबसे महंगे स्कूल में हो जाता है, जहाँ के सभी बच्चे अमीर घर से आते हैं। गरीब होने की वजह से कुछ अमीर लड़के इसे हर रोज परेशान करते हैं। वो उसे अपना सारा काम भी करवाते हैं और काम में थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाने पर मार मार कर उसका हाल भी बेहाल कर देते हैं और मारने के बाद पैसे फेंक के चले जाते हैं। पैसों की सख्त जरूरत होने की वजह से वो बिना कुछ बोले उनकी सारी मार खा लेता था। लेकिन जैसा बोला ही जाता है कि हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब उसकी कायापलट हो जाती है, ऐसा ही कुछ संगचन के साथ भी होता है। वो उस अमीर लड़के का होमवर्क पूरा करके देश के दूसरे सबसे अमीर इंसान के बेटे हुआंग टेयोंग, जो कि इस बदमाश बच्चे का दोस्त है, के घर जा रहा होता है कि रास्ते में उसे एक बुढ़ी औरत का ठेला मिलता है। उसे वहाँ एक सोने का चम्मच दिखाई देता है। वो उसकी कीमत पूछता है तो बुढ़िया बताती है कि वो कोई मामूली सोने का चम्मच नहीं है, बल्कि वो उसे अमीर बना सकता है। उसे सिर्फ किसी हमउम्र लड़के के घर पर 3 बार उस चम्मच से खाना खाना होगा और फिर दोनों की आत्मा आपस में बदल जाएंगी। उसे ये सब बेवकूफी लगती है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है और हुआंग टेयोंग के घर पर उस बदमाश लड़के को उसका होमवर्क दे देता है। लेकिन हुआंग टेयोंग दूसरे अमीर बच्चों की तरह नहीं होता, इसलिए वो उसे खाना खाने के लिए रोक लेता है और तब पता चलता है कि संगचन ने उस सोने के चम्मच को खरीद लिया है।